जो पेच है वो बिहार में भी फंसा है। जेडीयू के एक नेता ने ये दावा किया है कि 17 सीटों पर तो हमारा हक बनता ही है, तो ये दावेदारी 17 सीटों पर रख दी गई है कि 17 सीटों पर तो हम हमारा जो है बनता ही है हमारा हक। बिहार में सीटों को लेकर ये जेडीयू की तरफ से दबाव बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अब गठबंधन में जब है आरजेडी भी है तो कांग्रेस पार्टी भी है, लेफ्ट भी है। जेडीयू ने 17 सीटों पर तो कम से कम दावा ठोका है और कहा कि हम 16 सीटें जीते थे, ऐसे में 17 पर एक सीट पर हम दूसरे नंबर पर थे तो हम 17 सीटों पर तो हक बनता है, तो बिहार की राह भी आसान नहीं होगी। दलयू का शुरू से मानना रहा है कि सीटों का बंटवारा जल्द होना चाहिए और सीट कैसे बटेंगे इसका फैसला तो जब सभी दलों के लोग बैठेंगे तो आपस में होगा। और पिछली बार हम लोग 17 लड़े थे, 16 हम लोगों के अभी वर्तमान सांसद हैं, तो इसमें कहाँ कोई नई बात है और न कोई अचानक बात है, ये तो 5 साल पुरानी बात है कि हम लोग 17 सीट लड़े थे और 16 सांसद हमारे हैं, इसमें तो न कोई बात अचानक है न कोई नई बात है। शशि भूषण हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि भूषण, यहाँ इंटरेस्टिंग होगा बिहार में लड़ाई, क्योंकि जेडीयू तो कह रही है कि 17 हमारी, लेकिन इनमें से वो सीट भी शामिल है जहां पर कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार ये कहती रही है कि हमारा जो दावा है वो 16 सिटिंग सीटों पे है और 16 सिटिंग सीटों पे जो दावा है वो दावे पर कहीं कोई समझौता नहीं है। तो जाहिर तौर पे ये आप तय मान लीजिए कि जेडीयू जो है वो झुकने को तैयार नहीं है और कांग्रेस को लेकर जेडीयू के तेवर लगातार तल्ख होते जा रहे हैं। लगातार जेडीयू के नेताओं की तरफ से बयान दिए जा रहे हैं कि जो 16 सीटिंग सीटों हैं उनको छोड़ करके 24 सीटों पे ही बातचीत होगी और वो भी बातचीत आरजेडी से होगी। जो दूसरे दल है वाम दल और कांग्रेस, उनको आरजेडी से बात करनी होगी। तो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी का स्टैंड बहुत साफ है, बहुत क्लियर है कि 16 सीटों पे कोई डिबेट नहीं है। 17 सीटें 2019 में बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हमने लड़ी थी, एक सीट किशनगंज की हम हार गए थे, लेकिन 16 चूंकि सांसद हैं हमारे तो 16 सीटें जो है ठीक है। शशि,